मर्चेंट ऑनबोर्डिंग करने के लिए मर्चेंट होता है, तो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग करने के लिए मर्चेंट को क्या बेनिफिट है और मर्चेंट का कस्टमर कौन है जो उसके शॉप पे आता है, तो मर्चेंट को बेनिफिट क्या है कि पर ऑनबोर्डिंग अगर आप उसको ऑनबोर्डिंग करने के बाद में पर ट्रांजेक्शन उसको कैशबैक का फैसिलिटी मिलता है और अदर भी फैसिलिटी मिलता है। ठीक है, अभी ट्रेनिंग में आप प्रॉपर सीख लेना, प्रोडक्ट नॉलेज लो पहले, उसके बाद ऑनबोर्डिंग करते कैसे करते हैं। ठीक है, अब जब तक आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं रहेगा आप मार्केट में नहीं जाओगे, और उसके बाद मार्केट का प्रोडक्ट नॉलेज आप मर्चेंट को देंगे तब आपको ऑनबोर्डिंग करना होगा, तो उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं उसके ऑनबोर्डिंग के ऊपर। ठीक है, अभी मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ करना क्या है। जब हम कोई कस्टमर हम मर्चेंट के पास जाते हैं तो वहां जाने के बाद हम मर्चेंट से बात करेंगे, सर मैं एयरटेल से आया हूँ, एयरटेल मर्चेंट ऑनबोर्डिंग के, सर मेरे पास QR कोड है उसके लिए आया हूँ। ठीक है, आपके पास में फोन पे है, गूगल पे है, जो भी व्हाट एवर पेटीएम है और कुछ है उसके पास में, तो सर मेरा भी तो QR कोड है जो आप आपके दुकान में लगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं देना आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लगा के दे सकता हूँ मैं। ठीक है, तो बोलेगा भाई इसमें क्यों लगाओ, ऑलरेडी मेरे पास फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, ये सारा है और कहाँ पे लगाओ। बोला सर ये तो आपको बेनिफिट दे नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे बेनिफिट, फिर पॉइंट उठाते ये देते वो देते, लेकिन इसके अंदर एयरटेल आपको बेनिफिट देगा। एयरटेल क्या क्या बेनिफिट देगा इसके अंदर, आप अगर ऑनबोर्डिंग करके अगर आप उसके ऊपर ट्रांजेक्शन लेते हो पूरे महीने में बोलो या पूरे एक वन मंथ फाइव डेज में बोलो, अगर सर आप इसके ऊपर ट्रांजेक्शन लेते हैं पूरा दिन में वो पांच दिन में, अगर आपने पांच दिन में पूरे पूरे मंथ के अंदर पांच ट्रांजेक्शन ले लिए तो आपको उसके अंदर 36 रुपीस मिलेगा, ये मिलता है कैशबैक, मतलब पूरे महीने में, पूरे महीने में फर्स्ट से लेके 30 और 30 के बाद और पांच दिन दिया जाता है, मतलब पूरे मंथ में अगर मर्चेंट हमारा पांच ट्रांजेक्शन लेता है तो उसको 36 मिलते हैं। याद रखो ये बात को कि पूरे मंथ में बोल रहा हूँ, एक पूरे मंथ के अंदर। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन बीच में ऐसे लास्ट ट्रेनिंग के अंदर हुए कि सर जहां से ऑनबोर्डिंग किया, मतलब आज ऑनबोर्डिंग किया तो आज एक, कल एक, परसों एक और उसके फोर डेज फाइव डेज, ऐसा क्या? तो ऐसा नहीं, याद रखो पूरे मंथ में 30 डेज में अगर आज कोई ऑनबोर्डिंग होता है तो यहाँ से 30 डेज, 30 डेज मतलब 1 दिसंबर से आप वर्किंग स्टार्ट कर रहे हो तो 1 दिसंबर से लेके 35 डेज मासिक, मतलब 31 दिसंबर हो और 4 जनवरी तक के उन्हें कोई भी ट्रांजेक्शन लेता है वो, तो उसको 36 रुपीज उसको कैशबैक मिलेगा, इतना 36 रुपीज। और कोई मर्चेंट अगर अपना मर्चेंट अगर पूरे 7 ट्रांजेक्शन लेता है पूरे मंथ में तो उसको मिलेगा 56 रुपीज। और कोई मर्चेंट पूरे मंथ में हमारा 35 डेज के अंदर अगर 9 ट्रांजेक्शन लेता है तो उसको मिलेगा 71 रुपीज। ये उसको क्या मिलेगा? ये उसको मिलेगा कैशबैक। अच्छा, कैशबैक का इसके अंदर कैसा है, इतना कम क्यों मिल रहा है? इसके अंदर अगर कोई मर्चेंट हर दिन 10 रुपीज प्लस का अगर कैशबैक लेता है तो उसको 36 फाइव डेज में, 10 रुपीज प्लस का लेता है तो 7 डेज में 56। गाइस एक मिनट होल्ड करते हैं, थोड़ा आवाज ही को होगा, होल्ड करते हैं।
अरे प्लीज प्लीज म्यूट रखिए, सर ने म्यूट किया है ना, तो आप भी म्यूट रखिए। हेलो सर, एल जी करो। सॉरी गाइस, जब पर हाँ चलो म्यूट करो सर। तो हमारा मर्चेंट, अगर हम मर्चेंट ऑनबोर्डिंग करेंगे और हमारा मर्चेंट ऑनबोर्डिंग होने के बाद पूरे मंथ में हमारा मर्चेंट अगर 5 ट्रांजेक्शन करता है तो उसको कितना मिलेगा? 36 रुपीज। और 7 ट्रांजेक्शन करता है तो उसको मिलेगा 56। और हमारा मर्चेंट अगर पूरे मंथ में या पूरे मंथ में अगर 9 ट्रांजेक्शन करता है तो 9 ट्रांजेक्शन का उसको मिलेगा 71 रुपीज। ठीक है, अच्छा 71 रुपीज ये मिल रहा है हमको, लेकिन ये कब मिलेगा? 10 रुपीज प्लस का ट्रांजेक्शन के ऊपर। 10 रुपए से ऊपर का ट्रांजेक्शन अगर करता है तो उसको मिलेगा 5 ट्रांजेक्शन पे 36, 7 ट्रांजेक्शन पे 56 और 9 ट्रांजेक्शन पे 71 रुपीज। ये ट्रांजेक्शन कैसा मिलेगा? 10 रुपए प्लस से और 50 रुपए से नीचे वाला अमाउंट, 50 रुपीज से नीचे वाला अमाउंट, मीन कितना? 40, 45, 35, व्हाटएवर जो भी अमाउंट रहेगा उससे नीचे का अगर जितना अमाउंट होगा तो उस अमाउंट के हिसाब से, उस अमाउंट के हिसाब से उसको मिलेगा पर ट्रांजेक्शन, पर ट्रांजेक्शन यानी कि पर 5 ट्रांजेक्शन उसको मिलेगा 36, 7 ट्रांजेक्शन 56 और 71 कब मिलेगा? 9 ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, और मान लो कई मर्चेंट, कोई कस्टमर आता है और उस मर्चेंट के शॉप उसके क्यूआर कोड के ऊपर एयरटेल की, कोई भी क्यूआर कोड में, सिर्फ एयरटेल, एयरटेल के क्यूआर कोड पे अगर वो कोई आता है और एयरटेल के क्यूआर कोड पे 51 रुपीज का ट्रांजेक्शन करता है, उसने कोई भी एक वस्तु तो ले लिया और 51 रुपीज, मतलब 55 या 60 या 51 रुपीज का अगर ट्रांजेक्शन लेता है तो आप वो मर्चेंट को 100 रुपीज प्लस का उसको जो तो कैशबैक मिलेगा, 100 रुपीज प्लस का कैशबैक। अच्छा, ये कैशबैक मिलता है तो ये कैशबैक एयरटेल के अंदर वॉलेट में नहीं जाएगा, ये बात ध्यान में रखिए, ये कहाँ जाएगा? उसके बैंक के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा डायरेक्टली, जो बैंक तुम लिंक करोगे, जब मैं बता रहा हूँ जो बैंक आप लिंक करोगे तो वो बैंक के अंदर चला जाएगा, उसके उसके अकाउंट्स के अंदर चला जाएगा। दूसरा इसके अंदर ये है कि 5 ट्रांजेक्शन पूरे मंथ में, 7 ट्रांजेक्शन पूरे मंथ में, 9 ट्रांजेक्शन पूरे मंथ में, 9 ट्रांजेक्शन मतलब 5 ट्रांजेक्शन 5 डेज में चाहिए, 5 डेज मतलब ऐसा ना हो जब पूरे मंथ में 5 ट्रांजेक्शन तो 5 डेज भी आना चाहिए। एक दिन में से अगर मर्चेंट के ऊपर 10 ट्रांजेक्शन होते या 5 ट्रांजेक्शन होते तो वो काउंट नहीं होगा, वो काउंट टाइम में जाएगा, एक ही दिन में जाएगा। लेकिन उसका सेकंड डे बोलो या सेकंड छोड़ के थर्ड फोर्थ छोड़ के पांचवें दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, छठा दिन छोड़ के अगर कोई पांचवें दिन आके पेमेंट करता है, दूसरा दिन भी नहीं करता है, तीसरे दिन भी नहीं करता है, चौथे दिन भी नहीं करता, पांचवें दिन अगर आके कोई करता है तो वो भी काउंट होगा। लेकिन सेम डे में अगर आप बोलेंगे सर मेरे ये मर्चेंट ने 5 ट्रांजेक्शन कर लिया एक दिन में, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे 5 डेज एक्टिव चाहिए ऑन होल मंथ, पूरे मंथ में वो 5 डेज एक्टिव चाहिए, पूरा 5 दिन उसको एक्टिवेट चाहिए, 5 दिन एक्टिवेट चाहिए और पूरे 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 मंथ के अंदर,
और दूसरा इसके अंदर सेम यूपीआई से वो ट्रांजेक्शन काउंट नहीं होगा, सेम यूपीआई से अगर नेक्स्ट डे पेमेंट होता है तो दैट विल बी काउंटेड ड्यू टू नेक्स्ट डे ट्रांजेक्शन। आप समझ रहे हो, दूसरे दिन उसने क्या किया है, ट्रांजेक्शन किया उसने, तो सेम यूपीआई से, मान लो कि मैं हूं, मैं निकल रहा हूं यहां से, मेरे बाहर ही शॉप लगा हुआ है, वहां जाके मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, फिर आज मैंने नहीं किया, मैं कल भी नहीं किया, परसों गया, फिर वापस जाके मेरे यूपीआई से किया, तो वो काउंट होगा, दैट विल बी काउंटेड। अगर मान लो कि कोई अगर सेम डे में अलग अलग यूपीआई से भी करता है तो वो काउंट नहीं होगा, लेकिन पहला दिन, पांचवा दिन या छठा दिन या दसवां दिन या बीसवा दिन अगर सेम ट्रांजेक्शन से अगर होता है तो दैट विल बी काउंटेड। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है तो उसका आजू बाजू कहीं रहता है और जाके वहां पे वो जो भी वस्तु लेता है ट्रांजेक्शन करता है, तो ऐसे पूरे मंथ में हमारा मर्चेंट एक्टिव रहना चाहिए 5 days, एटलीस्ट मिनिमम 5 days। अगर मिनिमम 5 days आप पूरे मंथ में 5 दिन एक्टिव रहना, कोई बड़ी बात नहीं, और उसके ऊपर प्रायर ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो यू विल नॉट गेट पेमेंट, आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5 दिन अगर कस्टमर मर्चेंट आपका एक्टिव नहीं रहता है तो वैसे मर्चेंट मत बनाओ, कंपनी को वैसा मर्चेंट नहीं चाहिए, या फिर फ्रॉड, जो बंदा फ्रॉड मार रहा है तो 5 दिन तक के कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेगा क्या, पूरे मंथ में नहीं करेगा, इसलिए एटलीस्ट पूरे मंथ के अंदर 5 दिन तो भी ट्रांजेक्शन चाहिए, और पूरे मंथ में 5 दिन अलग अलग डे में उसको ट्रांजेक्शन चाहिए, 10 रुपीज प्लस के ट्रांजेक्शन होने चाहिए उसमें, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इसके ऊपर उसको बेनिफिट क्या मिल रहा है, उसको 5 ट्रांजेक्शन पे 36, 7 ट्रांजेक्शन पे 56 और 9 ट्रांजेक्शन पे 71 रुपीज, लेकिन उसका अमाउंट अगर 3 रुपीज प्लस और 50 रुपीज के नीचे रहा तो उसको क्या मिल रहा है, उसको मिल रहा है उसमें 36, 56, 71। लेकिन कोई मर्चेंट का अगर मान लो 51 रुपीज से ऊपर का ट्रांजेक्शन रहा तो उसको डायरेक्ट मिलेगा 100 रुपीज प्लस का कैशबैक, डायरेक्ट 100 रुपीज प्लस का उसको कैशबैक मिलेगा। ये एक बेनिफिट हुआ इसके अंदर मर्चेंट को, तो आप उसको कन्वेंस करके उसको बता सकते हैं ये ऐसा ऐसा आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा इसके अंदर बेनिफिट ये मिलेगा, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग करते हैं तो वो होता है शॉप, यानी कि दुकान होता है, शोरूम होता है, जो भी है वो होता है, छोटा मोटा कंपनी होता है, तो वो मर्चेंट जो रहता है तो मर्चेंट के पास में हमेशा डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उसके शॉप के उसके उसको करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये जो होता है ये फैसिलिटी उसको खुद को पता है वो मर्चेंट को कि करंट अकाउंट क्या होता है, तो हमारा कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट 0 बैलेंस में करंट अकाउंट फैसिलिटी देगा। ये बात अच्छी तरह ध्यान में रखो, ये पॉइंट आपको बिजनेस में मतलब आपके शेयर बढ़ाने में आपको हेल्प करेगी। तो करंट अकाउंट का उसको करंट अकाउंट ओपनिंग का भी चार्जेस नहीं लगेगा और आफ्टर दैट नॉन मेंटेन चार्जेस उसको नहीं लगेगा। कब? आफ्टर अकाउंट ओपनिंग। अगर उसका अकाउंट ओपन होता है तो उसके बाद उसको नॉन मेंटेन चार्जेस भी नहीं लगेगा, 0 बैलेंस करंट अकाउंट होता है। शायद ही आपने देखा होगा कि 0 बैलेंस करंट अकाउंट, जो करंट अकाउंट जानता है उसको पता है 0 बैलेंस करंट अकाउंट नहीं होता, लेकिन आपको एयरटेल पेमेंट बैंक आपको दे रहा है, अरे भाई ये प्रेजेंट कौन कर रहा है, ये कैसा है पता है क्या, ये लड़के जो है ना ऐसा करते हैं, अभी प्रेजेंटिंग हटा दी किसने यहां से, खुद का प्रेजेंट कर दिया है उसने, डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब होंगे तो मेरा ट्रेनिंग में मेरे को प्रॉब्लम आ। तो इसके अंदर करंट अकाउंट उसको मिलेगा, और करंट अकाउंट उसको कैसे मिलेगा, उसको करंट अकाउंट का उसका फैसिलिटी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 बैलेंस करंट अकाउंट, नॉन मेंटेन चार्जेस, वही चार्जेस मिलेगा। तीसरा इसके अंदर एक ये हुआ दूसरा बेनिफिट जो हम मर्चेंट को कन्वेंस करके समझा सकते हैं उसको। तीसरा इसके अंदर बेनिफिट क्या है, तीसरा इसके अंदर बेनिफिट ये है, इसके अंदर
मर्चेंट को हेल्थ इंश्योरेंस फ्री मिलेगा, उसके खुद का, उसके खुद का हेल्थ इंश्योरेंस उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा उसको। ये आगे है, आगे आप उसको देख सकते हो। अच्छा, ये करंट अकाउंट वगैरह जो भी ओपन करना है, या मर्चेंट अगर बोलता है कि यार मुझे भी वो फैसिलिटी चाहिए, तो इसके लिए है, तो मर्चेंट का आर्ट जो होता है ना, उसके अंदर से अप्लाई डालना है उसको, और उसके बाद डायरेक्ट बैंक का लड़का जाएगा। ये आपको नहीं करके देना है, आपको अकाउंट ओपन नहीं करना है उसको। नीलेश वीडियो ऑफ करो, नीलेश गवई वीडियो ऑफ करो, नीलेश गवई। तो इसको आपको क्या करना है, उसको सिर्फ अप्लाई करने के लिए बोलना, सर ये फैसिलिटी मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तब मैं तुम्हारा ऑनबोर्डिंग करके दूंगा। हाँ, अपना प्रोडक्ट वो लेगा तब जाके उसको फैसिलिटी मिलेगा। तो उसको उसके एप्लीकेशन में से उसको ये सब करना होता है, ठीक है। इंश्योरेंस भी उसमें से मिलता है उसको, वो मिलता है, फिर आपको सारी चीजें मिलती है, ठीक है। ये दो से तीन बेनिफिट है उसको, जो मर्चेंट को हम कन्वेंस करके उसको दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसके अंदर ये है, जो भी मर्चेंट आप बनाएंगे उसको, ठीक है, उसका QR कोड आपको कहाँ लगाना है, जहां पे कस्टमर हमारा इंटरेक्ट होता है, जहां पे ज्यादा दिखता है, जहां पे वो पेमेंट कर सकता है, ताकि हमारा ट्रांजेक्शन उसके अंदर कंटिन्यू होता रहे। अगर हमारा ट्रांजेक्शन कंटिन्यू होता नहीं रहेगा और हमारा ट्रांजेक्शन उसके ऊपर नहीं होगा, तो हमारा अकाउंट वहां पे काउंट नहीं होगा। हर कंपनी चाहती है कि मेरा प्रोडक्ट चले और चलने के बाद चलता ही रहे। हर कंपनी चाहती है, इस तरह एयरटेल भी चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट आप लगा रहे हो, चला रहे हो, तो वो चलता रहे आगे। अरे लगा लिया और आपने पैसा ले लिया और बाद में उठा के फेंक दिया, पैसा नहीं चलेगा उसको। तो ऐसी जगह लगाओ QR कोड जो आई 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 मतलब वहां पे देख सकता है, अपने आंखों से देख सके हो, एंटर करते उसको दिखना चाहिए कि एयरटेल का QR कोड यहाँ लगा है। ये बात ध्यान में रखिए, जब आप ऑनबोर्डिंग अपना, अगर 5 ऑनबोर्डिंग इसके अंदर 5 ट्रांजेक्शन करवाना है, तो आपको वहां पे फ्रंट में लगाना है जहां पे आप दिख सकता है वहां, ठीक है। ये हुआ मर्चेंट का बेनिफिट, ऐसे ऐसे मर्चेंट का बेनिफिट होता है। अब आते हैं हम ऑनबोर्डिंग पे। अब कोई मर्चेंट अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कोई मर्चेंट अगर बोलता है कि मेरा ये करवा दिया, मर्चेंट चालू कर दो, तो आपको क्या करना है, उसमें मर्चेंट स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने आपका कैसे करना है, सबसे पहले आपने जो आपका डिटेल दिया है, तो वो डिटेल का आईडी एक्टिवेट होता है हमारी तरफ से, उसका आपका एम्प्लॉय कोड जनरेट होता है। जैसे आपका एम्प्लॉय कोड जनरेट होता है, तो वो एम्प्लॉय कोड आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एम्प्लॉय कोड किस टाइप का होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा एम्प्लॉय कोड जनरेट होता है, दिख रहा है आपको एम्प्लॉय कोड कैसे जनरेट होता है, दिख रहा है कोई, एक लो एक बोलो दो से, दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख रहा है। यस, जब आप आपका डिटेल देते हो तो यहाँ पे मोबाइल नंबर है, वो आपको नहीं शो होगा, ठीक है। तो आपका मोबाइल नंबर, आपका एम्प्लॉय कोड इस टाइप का जनरेट होता है, ऐसे आपका एम्प्लॉय कोड जनरेट होगा, और वो एम्प्लॉय कोड आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आपका एम्प्लॉय कोड जनरेट होता है उसमें। अब उसके अंदर उसको लॉगिन कैसे करेंगे आप? उसको लॉगिन करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कौन से वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है? रेंजर ऐप। रेंजर ऐप आपको डाउनलोड करना है, एयरटेल रेंजर ऐप। वो मैं आपको बताता हूँ डाउनलोड करे बाद, ठीक। तो आपको उसके अंदर क्या करना है, रेंजर ऐप, एयरटेल रेंजर ऐप आपको डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाना है, रेंजर ऐप डाउनलोड डालना है और उसको डाउनलोड करना है। वो जैसे आप डाउनलोड करेंगे उसको ओपन होगा, वो ओपन होने के बाद आपको उसके अंदर, ठीक है, आपको ऐप भी बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ईजी रहेगा उसमें।
से रेंजर ऐप प्ले स्टोर में जाना है, रेंजर टाइप करना है, ये आपके सबके ग्रुप में है ऑलरेडी और फिर से वापस डाल दूंगा। तो ऐसे एयरटेल का रेंजर ऐप डाउनलोड करना है, ये जैसे आप रेंजर ऐप डाउनलोड करेंगे और इसको ओपन करेंगे आपको ये पेज ओपन होगा। ये पेज में क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, या मोबाइल नंबर डालेंगे पासवर्ड इसका नहीं आता है, पासवर्ड इसके लिए आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ मोबाइल नंबर डाल के आपको साइन अप करना है। ये अच्छी तरह देख लो, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी सर दिख रहा है। हाँ हाँ क्लियर नहीं आ रही सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, आवाज आ रहा है ठीक से सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, ब्रेक हो रहा है सर, समझ नहीं आ रहा है सर, आ रहे हैं मेरी वॉइस क्लियर आ रही सबको? हाँ सर आ रही है, हाँ सर आ रही है, रेंजर ऐप डाउनलोड करना है, रेंजर ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको आपका जो दिया गया मोबाइल यहाँ डालना है और ये मोबाइल नंबर यहाँ डाल के इसको साइन अप करना है, फॉरगेट भी नहीं करना है, पासवर्ड भी नहीं डालना है, डायरेक्ट आपको साइन अप करना है। जैसे आपने उसको साइन अप कर लिया ठीक है, तो आपका मर्चेंट ऐप ओपन, मर्चेंट ऐप ओपन होने के बाद में कैसा कैसा ओपन हो जाएगा मर्चेंट ऐप का? जैसे आपका मर्चेंट ऐप ओपन हुआ तो इस टाइप का आपका मर्चेंट का ऐप ओपन होगा। ये फर्स्ट वाला पेज देखो, इसके अंदर जो इस टाइप का आपका लोगो ऑन होगा, लोगो वो होके आपका ये इस टाइप का यहाँ पे मर्चेंट ऐप हो जाएगा ठीक है। जब मर्चेंट का ऑनबोर्डिंग करना है, जब मर्चेंट का ऑनबोर्डिंग करेंगे आप तो यहाँ आपको क्लिक करना है मर्चेंट ऑनबोर्डिंग। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इसके अंदर डालना है, सेंड ओटीपी करना है। आप जैसे ही थर्ड पेज देखो, सेंड ओटीपी करेंगे, ओटीपी डिटेक्ट कर लेगा, आपने जैसे ओटीपी डिटेक्ट कर लिया उसके अंदर तो आपको ये पे वाला पेज ओपन हो जाएगा थर्ड वाला ठीक है। ये वाला पेज ओपन हो गया तो इसके अंदर आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल में क्या करना है, आधार नंबर डालना है उसका। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाला, आधार नंबर वैलिडेशन हो जाएगा उसके अंदर, आधार नंबर आधार नंबर वेरिफिकेशन होने के बाद आपको क्या करना है, फोन है भाई क्यों परेशान कर रहे हो भाई, क्यों परेशान कर रहे हो, आप जैसे यहाँ पे आधार नंबर डालोगे तो आधार नंबर डालने के बाद क्लिक हो जाएगा वो, और उसके बाद यहाँ नाम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम ठीक है, ये डालेंगे आप यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, पैन कार्ड नंबर डालो, पैन कार्ड नंबर डालेंगे तो मर्चेंट का लिमिट ज्यादा बढ़ जाएगा, ये बात ध्यान में रखो, पैन कार्ड नंबर, मेल आईडी और अल्टरनेट नंबर डालो, यहाँ आप डालेंगे तो उसका लिमिट बहुत बढ़ जाएगा, इसका डेली का उनका उसका लिमिट है तो इंक्रीज हो जाएगा, उसको बढ़ के लिमिट मिलेगा। इसको सबमिट करना है, आपने जैसे उसको सबमिट किया तो आपको ये फोर्थ वाला पेज ओपन हो जाएगा। फोर्थ वाले पेज में शॉप का नेम डालना है, यहाँ पे जो भी शॉप नेम है वो शॉप नेम डालना है यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे उसको ठीक है। शॉप नेम डालना है, शॉप नेम डालने के बाद में आपको यहाँ पे उसका नीचे पूरा एड्रेस डालना है, एड्रेस डालने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे पिन कोड डालना है, जो भी पिन कोड में है वो सर्विस एंड यूटिलिटीज, सर्विस एंड यूटिलिटीज में जो है आपको क्या करना है यहाँ पे, ये देखो इसमें आपको बताना है,
ये कौन है भाई, किसका माइक ऑन? भाई थोड़ा रुक जाओ ना, तुमको इंटरेस्ट नहीं है तो हमको तो है, हमको तो कर रहे दो भाई। तो भाई रुक जा भाई, मैं तो बाहर कर दो ना सर। नहीं यार बाहर कर दो, कौन का बंदा हो विश भाई? कोई तो भी, एक मिनट विश भाई, विश भाई ये क्या विश भी है? अरे यार रुक चला, ये क्या हो? हाँ हाँ विश विश, अरे प्लीज यार सर को बात करने दो ना, आप मत डिस्टर्ब करो ना यार। चलो चलो ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, रिमूव कर दिया मैंने उसको, रिमूव कर दिया उसको, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे है सर्विस एंड यूटिलिटी, क्या आता है मालूम है क्या? सर्विस एंड यूटिलिटी में देखो ये वाला, ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा सर्विस एंड यूटिलिटी में क्या चीज आती है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस एंड यूटिलिटी ये जो दिया गया है, जो अदर अदर सर्विसेस होता है ना, अदर सर्विसेस, अगर अदर सर्विसेज जो होता है ना, अदर सर्विसेज, ये सर्विस एंड यूटिलिटीज के अंदर रिटेल, रिटेल शॉप जो होता है, तो रिटेल शॉप लेना है जो एरिया में रिटेल, रिटेल मतलब आप मर्चेंट जो दुकान पे, जो शॉप पे, जो शोरूम पे आप मर्चेंट बनाने के लिए जा रहे हो, तो वो शोरूम रिटेल होता है, जो अपना रिटेल माल बेचता है वहां पे, जो थोक में लाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है और अपना एक एक वस्तु अपना मार्केट में बेचता है, ठीक है। तो वो सर्विस यूटिलिटी के अंदर यहाँ पे आपका रिटेल आएगा। दूसरा जो है तो वो शॉप किस टाइप की है, ठीक है। अब यहाँ पे ये किस, ये मतलब ये कैसा कैटेगरी हुआ सर्विस यूटिलिटी, और ये सब कैटेगरी। अब सब कैटेगरी के अंदर क्या है, तो किस टाइप का शॉप है, वो मोबाइल का शॉप है, पान शॉप है, या कुछ और शॉप है, फ्रूट का शॉप है, जनरल है, मेडिकल है, कौन सा स्टोर है, तो यहाँ पे आपको वो लेना है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक दिखा है यहाँ पे आपको, उसमें जो भी शॉप है वो लेना है, मेडिकल है कि क्या है, ठीक है। तीसरा इसके अंदर ये है क्या, बैंक अकाउंट डिटेल, यहाँ बैंक अकाउंट डालना है। एक एक बेनिफिट इसके अंदर अच्छा है, यहाँ पे मैन्युअली टाइपिंग नहीं होती, सॉरी यहाँ मैन्युअली टाइपिंग होती है, यहाँ लिंक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ लिंक नहीं होने की वजह से क्या होता है, मान लो आप किसी का मोबाइल नंबर बैंक से लिंक नहीं है, तो आप उसको ऑनबोर्डिंग कर सकते हो क्या? तो आप उसको ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं, उसको उसका ऑनबोर्डिंग होगा, और वो ऑनबोर्डिंग होने के बाद में उसके अंदर आप मैन्युअली उसका ऑनबोर्डिंग सब करके वो करके उसका बैंक का डिटेल मैन्युअली टाइप करके डाल सकते हो। अगर उसका मोबाइल नंबर बैंक में लिंक नहीं है तो भी आप उसको अटैच कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के थ्रू, उसके बैंक के अकाउंट्स को और अपने मोबाइल को, दोनों को अटैच कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो जब दोनों को अटैच होगा तो उसका पेमेंट हो जाएगा, सब कुछ होगा, उसके अकाउंट में भी चला जाएगा, इधर से ट्रांसफर करेंगे तो QR कोड पे वहां भी चला जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जो मैसेज उसको आने का होता है वो मैसेज नहीं आएगा उसको, जो उसको नोटिफिकेशन आएगा कि किसने कितना पेमेंट किया, किसने कितना पेमेंट किया, वो नहीं आएगा। इसलिए उसको जो है, तो यहाँ पे हम मैन्युअली उसका अकाउंट डाल सकते हैं, उसके बाद IFSC कोड डालो, और उसके बाद अगर किसी के पास IFSC कोड नहीं है, अकाउंट डालो तो सर्च करके यहाँ पे IFSC कोड डालो, उसको सबमिट करो। आपने जैसे सबमिट कर दिया तो आपका ये चला जाएगा लिंक मर्चेंट QR कोड, जो आपके पास मटेरियल पहुंचा है उसके अंदर जो QR कोड है, तो वो QR कोड यहाँ पे आपको लिंक करना है। स्किप नहीं करना, स्किप इसलिए नहीं करना है कि आपने अगर इसको स्किप कर लिया तो आपका मर्चेंट का वो मर्चेंट को QR कोड लिंक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उसको स्किप करके बाहर निकल जा रहे हो, इसलिए आपको उसको लिंक करना है। जैसे आपने लिंक कर दिया उसको, तो आपका एक नया पेज ओपन होगा। इस तरह का तो जो QR कोड आपको दिया गया ना, वो QR कोड को स्कैन करने का यहाँ पे, तो तुम्हारे पास मटेरियल आया है, जो आने वाला है या आया है, तो उसको स्कैन करने का। जैसा आपने इसको स्कैन कर लिया यहाँ पे, तो वो ओके हो जाएगा, यहाँ पे लिख के आ जाएगा QR कोड लिंक सक्सेसफुली, देख रहे हैं? ये यहाँ पे आ जाएगा QR कोड लिंक सक्सेसफुली। इसके अंदर मान लो एक चीज और एक बार ध्यान में रखो इसमें, तो इसके अंदर मान लो कि कोई बंदे का यहाँ पे आता हो और बैंक में, अगर यहाँ पे मान लो कोई बंदे का आपने यहाँ पे क्या नाम डाला था मर्चेंट पे, यहाँ आधार नंबर डाला था उसका, और आधार नंबर डाल के यहाँ क्या नाम डाला था, जैसे कि ये दिखाया राम, नीचे दिखाया मिडल छोड़ दिया और सिंह,
ठीक है, अब ये राम मिडल छोड़ दिया सिंह, तो उसके बैंक के अंदर अगर मान लो कि मिस्टर राम है, राम सिंह है, तो आपको मिस्टर भी डालना है उसमें, उसको मिस्टर भी डालना है उसके यहाँ पे। अगर आपने मिस्टर नहीं डाला तो तुमको यहाँ गड़बड़ हो जाएगी यहाँ, क्योंकि ये लिंक नहीं होगा। ये अगर लिंक नहीं हुआ तो इसका एरर कैसा आएगा बताएंगे आपको। ये देखो मैं आपको ग्रुपों में बताता हूँ, कुछ ग्रुप में वो एरर आ रहा है, इस टाइप का, ये देखिए इसको दिख रहा है आपको, कोई एक बंदा उधर से यस यस सर दिख रहा है सर, देखो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, ये है ना, ठीक है सर। बट वो क्यूआर इमेज वेस्ट तो नहीं होगा? दिख रहा है सर, दिख नहीं, वो क्यूआर कोड है ना, वो क्यूआर कोड आपका लिंक होगा ही नहीं। वो ये मैसेज कब आता पता है आपको? ये मैसेज जब आता है जब आपका क्यूआर कोड फेल गया तब। ये तो स्टार्टिंग में तुमको तुम्हारी जैसा तुमने वो करना चालू कर दिया मर्चेंट, और जब तुम यहाँ पे आते हो ना, यहाँ नाम डाल दिया तुमने, यहाँ पे नाम डालने के बाद जैसे आप इसके पांचवे पेज पे आते हो यहाँ पे, या फिफ्थ वाले पेज पे जैसे आते हो आप यहाँ पे, तो यहाँ आने के बाद आपका ये सबमिट जैसे करेंगे डायरेक्ट वो एरर दिखाएगा जो मैंने आपको यह बताया, ये बात आगे जाने का तो सवाल ही नहीं आएगा उसमें। बोलो जनरेट नहीं, क्यूआर कोड तक तो लेके नहीं जाएगा वो, आपको बीच में ही रोक देगा। कहाँ पे रोकेगा पता आपको? ये यहाँ पे रोकेगा, ये बैंक के इस पे। सर मुझे सेंड नंबर की स्टेप समझे सर। एक नंबर की स्टेप सर, मगर सर बाद में फिर अगर वो ऐसा एरर आता है तो एडिट कर सकते ना फिर पीछे जाके सर। हेलो सर, यहाँ पे ये देख रहा है मेरा कर्सर, देखा यहाँ पे सुधार करो सर। एरर आने के बाद में काम को दोबारा फिलअप करना है क्या? नहीं, आप ये पेज पे आ जाओ ना, बैक पे डायरेक्ट बैक करो उसको। बैक कहाँ से करेंगे आप उसको? मोबाइल के ये कर्सर से, यहाँ से नीचे वाले से। देखो मेरा कल्चर दिख रहा है क्या आपको लैपटॉप में? हाँ सर समझ। यहाँ से सर आपका नाम क्या है, पूरा बैंक में क्या नाम है, डायरेक्ट पूछ लेने का उससे। मैंने कहा ऐसा नाम है, यहाँ एंटर करो, यहाँ एंटर करके उसको चौथे पेज पे जाके उसका ये डिटेल भरो, और फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर डालकर सर्च करो, सबमिट कर दो। तरीका रहेगा सर, उसकी पासबुक पर जो रहेगा वही डालना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आपको जो भी जिसको भी प्रॉब्लम आती है ये यूट्यूब पे वीडियो बन रहा है डायरेक्ट, आप उसको यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। बीच में डिस्टर्ब मत करो सर, ये बताने में नावेद भाई अपने ग्रुप पर छोड़ देना वीडियो। कंटिन्यू करते हैं, टाइम ज्यादा हो जाता है, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आप ये ऑनबोर्डिंग करेंगे तो उसमें आपको क्यूआर कोड लिंक करके क्यूआर कोड सक्सेसफुल लिंक कर देना है, खत्म। आपका काम ये कस्टमर, ये हमने मर्चेंट का अपने मोबाइल में प्रोसेस किया, जिसके आपने खुद के अपने, ठीक है आपको, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला था, रेंजर ऐप, जो रेंजर ऐप है वो आपके मोबाइल का है, वो अपने मोबाइल में आपने इसका प्रोसेस किया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको आपके गूगल के सॉरी आपके ग्रुप के, देखो ये ऐसे ग्रुप बने हैं आपके सबके, ये मेरे डेस्कटॉप पे आपको दिख रहे होंगे सब, ये पूरे ग्रुप से ही आके एयरटेल के। तो ऐसे ही आपके ग्रुप के अंदर आपके ये यहाँ से आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका लिंक दिया गया है, हर ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आपको क्या करना है, वो ऑनबोर्डिंग खत्म हो गया आपका, आपने यहाँ तक क्लोज कर लिया, ये होने के बाद में इसको बाहर आ जाओ, उसके बाद आपके ग्रुप में जाके ये लिंक पे, उसको लिंक पे क्लिक करो डायरेक्ट। जैसे आपने लिंक पे क्लिक किया ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको ये गूगल फॉर्म फिल करना है, ये गूगल फॉर्म फिल क्यों करना है,
ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ, यहाँ से आपको डेटा डेट उठाना है, डेट है वो जो है वो डालना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको मर्चेंट शॉप नेम, यहाँ पे वो शॉप वाले का नाम डालना है और शॉप वाले का खुद का नाम नहीं डालना है, वो नाम किसका डालना है उसका शॉप का नाम डालना है। और जो शॉप पे अगर नाम नहीं है तो आप उसको पूछो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जिसका ऑनबोर्डिंग किया था वो दुकान के मालक का नाम क्या है, गणेश, वट एवर जो सरनेम है गणेश, ठीक है, तो उसके अंदर डालो। अब उसका शॉप का है, गणेश का है पान शॉप, तो वहां डाल दो गणेश पान सेंटर। गणेश का है छोटा सा चाय का टपरी जो होता है लारी वो, तो किसका है गणेश का, वहां डालो गणेश टी हाउस। तीसरा इसके अंदर ये क्या सब्जी वाला होता है ना जो अपने कॉलोनी में आता है, आप इसको भी दे सकते हैं, सब्जी वाले को आप दे सकते हैं मर्चेंट एयरटेल का मर्चेंट ऑनबोर्डिंग सब्जी वाले का दो, वो भी आपको अकाउंट में आएगा। अगर उसका बोर्ड नहीं रहा तो भी आपके अकाउंट में आएगा। और एक बात बताता हूँ इसके अंदर, क्या अगर किसी का बोर्ड नहीं है तो आपको वहां पे बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे लिख के लगाने की या A4 साइज के पेपर पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। अब गणेश के शॉप पे नाम ही नहीं है, गणेश बेचता है सब्जी, तो गणेश को क्या करना है, वहां पे जब आप ये यहाँ पे फिल करते हो, यहाँ पे ये यहाँ पे ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे, ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे फिल करते हो तो यहाँ आपको XYZ जो ये दिख रहा है शॉप नेम, यहाँ पे आपको डालना है गणेश, यहाँ गणेश का डालना है, गणेश का क्या डालना है, गणेश जो भी उसका सब्जी का उसका है, उसका जो भी बिजनेस है सब्जी का वो डालना है, सब्जी सेंटर, फूड सेंटर, टी सेंटर, टी हाउस, पान स्टॉल, जो भी उसको यहाँ डालने का, विदाउट नेम वाले को उसके नाम के साथ में उसके प्रोफाइल को जोड़ना है आपको, और जोड़ के उसको क्या करना है आपको वहां पे सबमिट कर देने का। तो गूगल फॉर्म में भी इसी तरह आपको यहाँ पे उसका नाम डालना है मर्चेंट का। अगर आपने मर्चेंट में एप्लीकेशन में आपके अगर डाला है कि गणेश टी हाउस, तो आप यहाँ टी हाउस डालेंगे, गणेश टी हाउस, यहाँ गणेश टी हाउस डालना है। अब उसके नीचे डालना है मर्चेंट का नेम, दुकान के मालक का नाम, जो शॉप ओनर है ना, जो शोरूम का ओनर है, वहां पे आपको इसका नाम डालना है। उसके अंदर उसका मर्चेंट मोबाइल नंबर कौन सा वाला जिसका आपने ऑनबोर्डिंग किया, क्या डालना है। तीसरा इसके अंदर क्या डालना है, FOS मोबाइल नंबर, आपका खुद का मोबाइल नंबर डालना है, कौन सा वाला मोबाइल नंबर डालना है जिसपे से आप काम कर रहे थे एप्लीकेशन पे, रेंजर ऐप पे, वो डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आपको आपका FIS कोड डालना है। आपका FIS कोड कौन सा है, ये आपका FIS कोड है, ऐसा आपका FIS कोड है जो आपका जनरेट हुआ है, वो FIS कोड है, वो FIS कोड आपको उसमें डालना है। यहाँ पे दूसरा सिटी डालो, स्टेट डालो, उसके बाद में पिन कोड डालो, रिपोर्टिंग मैनेजर का नाम डालो, आपका रिपोर्टिंग मैनेजर का नाम क्या है वो डालो। और एक बात ध्यान में रखो, रिपोर्टिंग मैनेजर का नाम मान लो थोड़ी देर के लिए है, कोई भी एक नाम है, हा? अब ये है शशिकांत मुड़े, तो क्या कर रहे हैं लड़के इसके अंदर, शशिकांत मेरे इधर लैपटॉप पे ध्यान रखना, शशिकांत, ठीक है। अब इसके अंदर देखो शशि, भाई म्यूट करो, भाई मेहरबानी करो, जरा म्यूट करो, ना मल्टी सर्विसेज म्यूट करो, आप लोगों को बोल रहे हैं, आपका ही चलोगे इधर, तो यहाँ पे शशिकांत शशि, ठीक है। अब ये शशि तो क्या कर रहे हैं लड़के इसके अंदर, शशिकांत सर ऐसा डाल रहे, तो कुछ लड़के क्या कर रहे हैं, शशिकांत मुड़े। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही, जब हम रिपोर्ट जनरेट करते तो देखो रिपोर्ट के अंदर, अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आसिफ अली यल है, यहाँ आसिफ अली है, यल है, लेकिन इसने क्या किया, बुलढाणा को क्या कर दिया, देखो BJU
NDHNA कुछ डाना है क्या, फुल डाना है ना वो, तो यहाँ क्या कर दिया बुश डाना, तो सिटी में सिटी का नाम प्रॉपर डालो, मेहरबानी करो जो नाम है वो डालो, स्पेलिंग चुप गलत मत करो, आपकी स्पेलिंग गलत हो जाएगी आपके रिपोर्ट में डबल डबल आपका चल जाएगा उसमें, आपको कुछ नहीं, आपको क्या भ्रम हो जाएगा, मैंने तो चार मारे थे मेरे आठ दिख रहे, ऐसा नहीं चलेगा, तुमने चार मारा था तेरे आठ दिख रहे भाई उसके अंदर, लेकिन तू भर रहा था उसको कितनी बार, उसको भर रहा था कितनी बार, शशिकांत मुले के नाम से डाल दिया, कोई लड़के क्या करते हैं शशिकांत इतना ही डाल रहे, कोई लड़के क्या कर रहे हैं मुले इतना ही डाल रहे, ऐसा मत करो, यहाँ पे एक ही नाम टीम जर, आपको बोलो कि टीम जर रिपोर्टिंग के अंदर क्या डालना है, आप उसको बोलो एक ही नाम डाले, कोई भी एक नाम, एक तो शशिकांत सरी चलने दो या फिर शशिकांत चलने दो या फिर मुले चलने दो, तो बेस्ट ऑप्शन ये बोलता हूं मैं कि शशिकांत सर मत डालो, सर बोलते हो ना तो बोलो यार सर बोलो आप उसमें, लेकिन सिर्फ डालो कि आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है शशिकांत, सिर्फ शशिकांत डालेंगे, और शशिकांत में भी जो है तो स्पेलिंग शश जैसा शशि इतना ही आना, ये स्पेलिंग आना, अब इसके अंदर शशि श ऐसा शशिकांत ऐसा नहीं आना, ऐसा आ गया समझना रिपोर्टिंग में एवरेज बढ़ गया तुम्हारा, चार था वह आठ दिखेगा, तो वैसा मत करो, जो नाम है वही नाम डालो, सिटी का नाम बुलडाना है, अब बुलडाना आ क्या कर रहे बंदे, बुलडाना का क्या कर रहे भाई, क्या कर रहा है कुछ ढाना, कोई क्या कर रहा है कुछ अलग डाल रहा है, कुछ अलग डाल रहा है, इसलिए वैसा मत करो, वहां पे सिटी में भी नाम प्रॉपर डालो, स्टेट में भी प्रॉपर डालो, ठीक है, तुम्हारे रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, यार गलत कर रहे हैं इसके अंदर, इसके लिए यार रिपोर्टिंग में क्या हो रहा है गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, दूसरा इसके अंदर रिपोर्टिंग मैनेजर का नाम डालना है और एक के नाम यूज करो, तीसरा इसके अंदर क्या डालना है, इसके अंदर फोटो ऑफ शॉप परंट विथ ब्रांडिंग, फोटो ऑफ शॉप विथ परंट विथ ब्रांडिंग, उसका दुकान का कुछ भी हो, ब्रांडिंग का मतलब उसका मान लो कोई सब्जी वाला उसके नारे पे बैठा है दुकान पे शॉप पे बैठा है और आपने उसको स्टैंड दी है, तो उसको स्टैंड की बाजू में रख लेना गाड़ी की, वो जैसा बैठा है वैसा पूरा के पूरा फोटो उठा के सब्जी वाले का इसके अंदर डाल देना है कैमरे के अंदर, यहाँ एड फाइल कर देने की और उसके अंदर डाल देने का, ठीक है, ये हुआ ब्रांडिंग का, या फिर अगर कोई शॉप है शोरूम है उसके बाहर से जाके आपको क्या करना है, बाहर जाके आपको पूरा फोटो लेना है, कैसे फोटो लेना है देखो मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर पूरा फोटो, ठीक है, वो तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा, यहाँ पे पूरा फोटो लेके डालना है, तीसरा क्यूआर कोड, हाँ पूरा पूरा सर सर, ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या करना है, फोटो क्लियर फोटो आप असाइन क्यूआर कोड, जो क्यूआर कोड होता है ना क्यूआर कोड, तो वो क्यूआर कोड का उसके अंदर वो क्यू आर कोड का फोटो आपको डालना है, अच्छा क्यों डालना है वो फोटो आपको क्यों डालना है, मैं आपको उसके अंदर एक आपको बताता हूँ, ये सिर्फ आपके फायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं, कि आपको वो क्यों डालना है, वो इसलिए डालना है कि मान लो कि आपके आपके कस्टमर ने मतलब मर्चेंट ने 5 ट्रांजेक्शन कर लिए, करने की जगह पे 4 ट्रांजेक्शन कर लिया, ठीक है, और एक ट्रांजेक्शन की वजह से अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो लॉस हम उसको होने नहीं देंगे, उसको हम हमारी तरफ से उसको पेमेंट उसके अंदर क्यूआर कोड में डाल देंगे, क्लियर समझे, यस यस सर, वो क्यूआर पे नाम लिखना है क्या दुकान का, नहीं 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 इसमें नहीं लिखना पड़ता है, वो तुमको उसमें लिखना है अमेजोन में लिखना है, हाँ तो आप समझे, इसके अंदर अगर आप हाँ म्यूट करो गौरव म्यूट करो, इसके अंदर मान लो आपका किसी का अगर पेमेंट नहीं हुआ है, एक आधा थोड़ा सा पेमेंट रुका हुआ है, एक एक उसका ट्रांजेक्शन रुका है, तो अब अपनी पास से ट्रांजेक्शन करके आपका पूरा 5 कंप्लीट करेंगे और उसका पैसा आपको दिलाएंगे कंपनी की तरफ से, वो आपके बेनिफिट के लिए है, होल्ड करो होल्ड करो, बीच में क्वेश्चन मत करो, मेरे को रुकाओ मत, मैं आगे आ रहा हूँ तब आप क्वेश्चन करो प्लीज, तो इसके अंदर आपके बेनिफिट के लिए आप 4 QR कोड भी अगर होते पूरे मंथ में, तो
तो पांचवा ट्रांजेक्शन हम करेंगे, इसके लिए आप क्लियर फोटो क्यू आर कोड का डालेंगे। कहाँ डालेंगे आप क्लियर फोटो? यहाँ पे नीचे वाले, ठीक है, बस सबमिट कर लो, आपका काम खत्म। ठीक है, अब यह हुआ, आपने पहला प्रोसेस किया, क्या है आपका इसके अंदर जनरेट हुआ है, आपका आईडी चल रहा है, आपने कस्टमर को रेडी किया है, आप ये ऑनबोर्डिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ये पेजेस जो देख रहे हो आप इसके अंदर, अगर ये पेजेस को सही देखा जाए ना, ये देखो कितने पेज है, कितने पेज है, आठ पेज। लेकिन आठ पेज खुल रहे कैसे मालूम क्या? इसमें इसपे क्लिक किया ये दिख रहा है, इसपे क्लिक किया ये दिख रहा है। इसका ऑनबोर्डिंग है ना, इसका ऑनबोर्डिंग इतना ईजी ऑनबोर्डिंग है, अमेजोन वाले को मालूम है उसको क्या क्या करना है। अमेजोन वाले को ये भी मालूम, क्योंकि अमेजोन का काम भी अपने कंपनी के पास में चालू है, और अमेजोन का तो कई लास्ट टू इयर्स से हमारे बंदे कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, और वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है, बंदे का भी काम चालू है। अब तीसरा हेड तो आ गया, अभी आ रहा है, यू आर नॉट ऑडियबल, अभी आ रहा है क्या, अभी आ रहा है क्या? यस सर, यस सर, म्यूट म्यूट करो, एक म्यूट करो, हो गया, एक थोड़ा सा बाकी है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आ जाते, अभी जितना टाइम पास करना है आप कर लो, मैं हूँ अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका जो ऑनबोर्डिंग है बहुत शॉर्ट है, इतना शॉर्ट ऑनबोर्डिंग है इसका, अगर कोई लड़के ने आपके एक 12-15 ऑनबोर्डिंग कर लिया ना, तो वो जहाँ पे 3 मिनट लगता है ना ऑनबोर्डिंग को, वो 1.5 मिनट में क्लियर कर देगा, 2 मिनट में क्लियर कर देगा, 5 मिनट का प्रोसेस 3 मिनट में क्लियर करेगा। लेकिन उसको वहां तक क्या करना पड़ेगा, टीम लीडर आपको उसको वहां तक सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको ऑटो मोड पे ला के छोड़ना पड़ेगा। जब तक वो ऑटो मोड पे लेके नहीं आएगा, बाद में आपको कोई बंदा परेशान नहीं करेगा, कोई भी आपका लड़का आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि इसका ऑनबोर्डिंग कैसे करना है। इसलिए टीम लीडर आपको है, ऐसा समझ लो आपको वार्निंग है, क्या आप उनको हेल्प करेंगे, जो भी लड़के को प्रॉब्लम आती है, वो लड़का आपको बोल रहा हूँ मैं टीम, आपको जिसको भी प्रॉब्लम आती है, तो आप आपके ग्रुप में डायरेक्ट आपके टीएल को टैग करेंगे, पहले आपके टीएल को वो डालना है, और उसमें टीएल को टैग करना है, शशिकांत मुड़े है तो डालो, शशिकांत मुड़े सर प्रॉब्लम सॉल्व करा बाजा, जे का जाए थे जे का, जो भी आपका टीम लीडर होगा उनको वहां पे आप उसको टैग करेंगे। और शशिकांत साहब आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप डायरेक्ट टीम के आपके ग्रुप के अंदर आपके टीम आपके ऊपर की पोजीशन की भी है, तो टेरिटरी सेल्स मैनेजर है, यहाँ तक कि इंडिया हेड भी बैठे हुए उसके अंदर, ठीक है, तो आप उसको टैग करो, उससे नहीं होगा तो वो बिजनेस हेड मुझे टैग करेगा, मैं डायरेक्ट कंपनी को बोलूंगा। तो ऐसा क्या करना है, कुछ क्या हो रहा है कि कुछ अभी मैं 2-4 दिनों से देख रहा हूँ कि मैंने ग्रुप के अंदर अगर कुछ प्रोसेस डाला, तो आपके टीम के एफएससी क्या, आपके यहाँ का सबको बोल रहा हूँ मैं, ऐसा अपने ऊपर मत लो कोई भी, कि टीम के एफएससी क्या कर रहे हैं पता है क्या, वो डायरेक्ट उठ के मेरे को पर्सनल में मैसेज डाल रहे हैं, या फिर मुझे क्या कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर रहे हैं। तो गाइस डू नॉट कॉल मी, अदरवाइज आई विल रिमूव फ्रॉम माय जो भी है प्रोजेक्ट के अंदर से, उसको उड़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो मुझे डायरेक्ट नहीं, आपको आपके टीम लीडर को आपको उसको कोऑर्डिनेट करना है, और वहां से करना है आपको जो भी रहा, उसको क्या हो रहा है, मुझे काफी डिस्टर्ब किया है कुछ लोगों ने अभी, तो मुझे पर्सनल में डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मेरा काम होता है उसको, तो भी वर्क है। एक ये पेज आपको फिल करना है इसका, दूसरा आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब रहा इसके अंदर ये पेज होने के बाद आपको क्या करना है, आपको आपके मतलब जो मर्चेंट आपने बनाया उसके मोबाइल में एक मर्चेंट ऐप डाउनलोड करना है, वो कौन सा मर्चेंट ऐप डाउनलोड करना है, एयरटेल मर्चेंट ऐप, आपको उसका वीडियो दिखा रहा हूं, और वो वीडियो देखो आप, और वीडियो देखो आप उसके अंदर, वो वीडियो के अंदर सारी चीजें और कस्टमर का बेनिफिट क्या है, कस्टमर को क्या मिलने वाला है, कस्टमर का सेटलमेंट कैसा है, कस्टमर का सेटलमेंट कैसा है, वो भी आपको उसके अंदर दिखेगा,
आ रहा हूँ उसमें, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्म फिल करना है, ये फॉर्म फिल करने के बाद गूगल फॉर्म फिल करना है, तो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, गूगल फॉर्म, गूगल। सर आवाज ब्रेक हो गई। सर अटक गए आप। कॉपी करना है, उसके बाद मर्चेंट ऐप के उसके अंदर आवाज आ रही मेरी। किस तरह आ रही है? आ रही है, ठीक से आ रही है। हाँ नेटवर्क का इशू चल रहा है और ऐसे भी वाईफाई भी जो तो परेशान कर रहा है। तो इसके अंदर मर्चेंट एयरटेल का मर्चेंट ऐप कैसा होता है ये देखिए, कुछ नहीं करना है, कस्टमर का मोबाइल लेना है और कस्टमर का मोबाइल लेने के बाद आपको उसके मोबाइल में एयरटेल मर्चेंट ऐप टाइप करना है, ठीक है, और उसको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करके उसके एप्लीकेशन जो डाउनलोड होगा उसको ओपन करके उसके अंदर वो मोबाइल डालना है जिसने जो आपने उसको ऑनबोर्डिंग करके दिया अपने मोबाइल से, ठीक है, वो ऑनबोर्डिंग करके करे वाला मोबाइल उसके अंदर डालना, एक ओटीपी आएगा उसके अंदर और ओटीपी आके डायरेक्ट उसके अंदर डिटेक्ट करेगा। एक बार आवाज ब्रेक हो गई सर। अच्छी तरह ध्यान में रखो, मर्चेंट ऐप जिसका भी डाउनलोड कर रहे हो आप, बहुत इश्यू आ रहा है। अरे आवाज आ रही है सर, पहले ब्रेक हो गई, वाईफाई भी नाटक कर रहे थे, हो गया। तो मर्चेंट ऐप जब हम लोग डाउनलोड करेंगे तो मर्चेंट के ऐप के अंदर मोबाइल नंबर डाल के उसको ओटीपी जनरेट करना है और ओटीपी जनरेट करने के बाद एक बात ध्यान में रखिए, उसके अंदर जो है तो सेटिंग में जाके उसका पिन नंबर चेंज करो। पिन नंबर मतलब जैसा हम लोग नहीं एटीएम का पिन डालते या हमारे गूगल पे पे पिन डालते है ना, जैसा कि जो भी होता है 4 डिजिट का पिन डालते ना हम लोग एटीएम पे पिन डालते पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए, तो ऐसा पिन आता है उसके अंदर, तो उसको पिन चेंज करो। उसका पिन चेंज करके वो मर्चेंट का उसका खुद का मोबाइल नंबर डालो, उसको सॉरी 4 डिजिट का लास्ट डिजिट डालो उसके अंदर, उसके मोबाइल का लास्ट का 4 डिजिट उसको न्यू पिन जनरेट करो। देखो जब भी आप ऑनबोर्डिंग करते हो तो ऑनबोर्डिंग करने के बाद ठीक है वहां से उस टाइम से लेके तो 12 घंटे तक उसका पिन वैलिड होता है और 12 घंटे बाद 12 घंटा जब होगा उसका 12 आवर्स खत्म हो जाएगा तो वो पिन एक्सपायर्ड हो जाता है, क्योंकि वो टेम्पररी होता है जो नया डायरेक्ट कंपनी देता है उसको। इसलिए आप क्या करेंगे, जो भी कस्टमर का मर्चेंट का आप मर्चेंट ऐप डाउनलोड करेंगे उसके अंदर मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद में उसको ओटीपी बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट करेगा, वहां पे डायरेक्ट सामने क्या करेगा वो पिन का ऑप्शन देगा। अब पिन ऑप्शन में क्या करना है, नीचे आ जाएगा पिन चेंज वाला ऑप्शन, आप उसको चेंज करेंगे, आप उसको क्लिक करके उसको सर को बोला सर ये तुम्हारा मोबाइल का 4 डिजिट मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, इसका 4 डिजिट मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, तो आप उसके अंदर 4 डिजिट डाल के उसका पिन चेंज करना है और पिन चेंज करो। पिन इसके लिए चेंज कर बोल रहा हूं क्योंकि बाद में अगर उसको कुछ एक्टिविटीज करनी है तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उसका पिन चेंज करो, ठीक है। अच्छा इसके अंदर मैं आपको एयरटेल मर्चेंट ऐप कैसा है वो भी मैं इसके अंदर दिखाता हूँ आपको। दूसरा ये वीडियो का वॉइस आता है, मतलब आवाज आती है, आप इसको सुन लो। इसके अंदर सारी चीजें बताया कि मर्चेंट को क्या क्या बेनिफिट है, कहाँ से क्या पैसा मिलेगा, कैशबैक कितना मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ तक है सेटलमेंट। एक और एक सबसे बेस्ट इसके अंदर है भारत पे, मेरे हिसाब से इंस्टेंट सेटलमेंट नहीं है शायद भारत पे का, तो बहुत सारे लोगों ने बताया क्या भारत पे का जो तो सेटलमेंट नेक्स्ट डे होता है, पर इसके अंदर आप हाँ सर उसमें सेटलमेंट डायरेक्ट ही है लेकिन वो उनको करवा के देना पड़ता पैसे। हाँ ये आप आए पॉइंट पे, आप मैं सोच रहा था फोन इधर से कोई कुछ ना क्वेश्चन करना चाहिए किसे, इसके अंदर भी वही है जो आपने बोला है, उसके अंदर सेटलमेंट वाला ऑप्शन है, सेटलमेंट इंस्टेंट 1 आवर 4 आवर 12 आवर्स और 48 आवर्स इसके अंदर भी ये चीज दी है। तो इंस्टेंट सेटलमेंट जो है तो आप इसके अंदर भी करवा सकते हैं, वो कहाँ कर सकते आप देखो वीडियो में दिख रहा है, आप आराम से साइलेंटली वीडियो देखो अपना, अगर आप कोई वीडियो होगा आपका चालू मतलब उधर से अगर ना तो वो ऑडियो वीडियो ऑफ कर दो उधर से, ठीक है मैं इसको चालू कर रहा हूँ, आप
आपको इसका वॉइस अच्छे से क्लियर सुनाई देगा। अगर आवाज नहीं आई तो मुझे बोलना उधर से। ये है मर्चेंट ऐप, एयरटेल मर्चेंट ऐप, देखो इसको ध्यान से। ऐसे में मैं आप लोगों के ग्रुप में डाल चुका हूँ। Welcome to the all-new Airtel Merchant App. It's an app that fits all businesses and all your business needs. To begin, enter your registered mobile number and then enter the OTP received on that number. The all-new Airtel Merchant App is a smart way to manage your business and earn more. With the new Merchant App, you can accept contactless payments from all UPI apps, do prepaid mobile recharges and DTH recharges, and ensure your shop. What more, you get to earn rewards on every transaction. So, let's get started. The Airtel Merchant App offers on-the-go access to your UPI QR code. You can check. Settlement का ये देखो, यहाँ पे settlement वाला option है, merchant के, इसको click करना है और instant करके उसको छोड़ देना है, खत्म, उसका काम खत्म। ये देख लो, ठीक से यहाँ पे दिया settlement वाला। Your QR code by Get Payment App. This directs you to contactless payments through UPI for more safety. With this QR code, you can accept instant payments from thousands of customers and from over 140 UPI apps. And all of this is free and without any hidden charges. Make sure all your earnings get credited to your bank account whenever you want with our on-demand settlement feature. Just click on the Settlement tab and you can check all the settled amount every day. This makes sure you will get real-time settlements into your account without any hassle. Earn rewards on your transactions and participate in daily offers. Know all the rewards you've earned by visiting the Your Rewards section. Live track your earnings the easiest way possible. Check your dashboard on the app's homepage and see how your business has done and what rewards you've earned. Do you know, with this app, you can earn by doing prepaid and DTH recharges? Yes. There are exciting new ways to earn more every day. Start by doing prepaid mobile recharges and DTH recharges from your Airtel Merchant app in just few clicks. Earn on every transaction that you do. Know all about the recharges you've done on the Recharge History tab. Furthermore, you can also track all your transactions using the Transaction History tab. What more, now you can also protect your shop or business from all uncertainties like fire, burglary, theft, or any personal accident. Just buy the Bharti AXA Smart Plan Shop Package Policy here. The link QR code tab helps you in case of any damage or loss of your QR code. You can now link your new QR code to receive payments seamlessly. Changing or regenerating a PIN is just so easy with Airtel Merchant App. Click and update your new PIN to stay protected at all times. The profile section acts like a one-stop solution to add or change any personal, shop or bank account related information. For any assistance, the help section is just a click away. Get instant help for any concern and stay stress-free always. Reach out to Merchant Helpline number or email ID. Enjoy the amazing services of Airtel Merchant App now. तरह ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है जो आपको ऑलरेडी बताया गया। इसके अंदर करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर आपको नहीं करना है, आपको जो एप्लीकेशन दिया गया था उस एप्लीकेशन को लॉगिन करके, इस टाइप का लॉगिन करके ये अपने एप्लीकेशन में ऑनबोर्डिंग करना है। क्यूआर कोड वगैरह ये प्रोसेस पूरा करना है। उसके बाद एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको फिल करना है और मर्चेंट को मर्चेंट के मोबाइल में एयरटेल मर्चेंट ऐप लॉग इन करके सेटलमेंट सेट करके दो। सेटलमेंट सेट करके देने से आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका ऑनबोर्डिंग के लिए आपको और बहुत सारे लोग आपको ऑनबोर्डिंग के लिए बुला सकते हैं। उसके बोलने पे आपका ऑनबोर्डिंग बढ़ जाएगा उसमें, ठीक है।